Hello students, this is Rajiv and you are watching AIIMS Academy. So now we are going to discuss the fifth question of exercise 13.3, which is based on cone. So the question is, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 3 meter and base radius 6 मीटर. तो उन्होंने क्या बोला बेटा, एक तो दे दी आपको हाइट कितनी 8 मीटर और बेस रेडियस दे दी आपको कितनी 6 मीटर. ठीक है, अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स फॉर वेस्ट इन कटिंग इज अप्रोक्स 20 सेंटीमीटर. देखिए बाकी सब कुछ आपको मीटर में दिया हुआ है और ये दिया हुआ आपको सेंटीमीटर. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यूनिट्स देखनी है. यूनिट्स आपकी सेम होना जरूरी है, तभी आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या दिया हुआ बेटा उन्होंने क्वेश्चन में, वो क्या कह रहे हैं कि कोई कॉनिकल टेंट है जिसकी उन्होंने हाइट दे दी है कितनी, ये होती है हाइट, हाइट दी उन्होंने 8 मीटर, मतलब कि यहां से यहां. ठीक है, और आपको दी हुई है बेस रेडियस, हाइट दे दी उन्होंने कितनी 8 मीटर और बेस रेडियस दे दी है कितनी 6 मीटर. और वो क्या कह रहे हैं, आप ये बताइए इस टेंट को बनाने के लिए आपको कितने मीटर तापलीन की जरूरत पड़ेगी, लेंथ लेंथ ऑफ द तापलीन पूछ रहे हैं वो आपसे. ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आप ये बताइए कि आप टेंट जब बनाएंगे तो कहाँ पर लगाएंगे तापलीन, यहीं तो लगाएंगे. तो इसका मतलब ये कि पहले तो आपको निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल. पाई है हमारे पास, पाई की वैल्यू हमें पता ही, उन्होंने दे दिया है. पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है, 3.14, और रेडियस हमारे पास है लेकिन हमें क्या निकालना होगा, एल, विच इज़ नॉट गिवन. तो देखते हैं सॉल्यूशन में क्या करना है. सबसे पहले बेटा उन्होंने हमें दिया हुआ है क्या, हाइट, हाइट दी हुई हमें कितनी 8 मीटर, रेडियस, रेडियस दी हुई हमें कितनी 6 मीटर, और बाकी दिया हुआ देखते हैं वो सारे हम यूज़ करेंगे. पहले मैं निकालता हूँ इस स्लांट हाइट. भाई स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या था, स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला था अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है 8, आर की वैल्यू कितनी है 6, 8 8 = 64 प्लस 6 6 = 36, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का. तो इसका मतलब यहाँ से आपकी आ गई स्लांट हाइट एंड दैट इज़ व्हाट 10 मीटर. अब पहले हम निकाल लेते हैं क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट. टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा भाई, पाई आर एल. कैसे पता चलेगा भाई, क्योंकि कोन है. पाई की वैल्यू 22/7 नहीं, 3.14. आर की वैल्यू, आर की वैल्यू 6, और एल की वैल्यू कितनी 10. बेटा मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा कितना, 3.14 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 = 24, 6 8 = 18. ठीक है, तो डेसिमल भी है तो शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल और आपका आंसर आ जाएगा कितना, 18.84. ठीक है, सॉरी 108.4 मीटर स्क्वायर. ये आ गया बेटा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे, एरिया ऑफ, ये जो कर्व सरफेस एरिया वो एक्चुअली एरिया किसका है, तापोलीन का. तो एरिया ऑफ बेटा तापोलीन कितना दे दिया है उन्होंने हमें, 188.4. अच्छा एरिया, अगर मैं इसको यहाँ से कट करके खोल दूंगा तो कैसे हो जाएगी, रेक्टेंगुलर शेप की हो जाएगी. तो इसका मतलब ये है कि इसका एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ. क्लियर है, अब देखो लेंथ नहीं पता, वही तो बतानी है, ब्रेथ, ब्रेथ में दे दिया उन्होंने क्या बोला, ये कितना वाइड है 3 मीटर वाइड, विच इज 3,
अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 188.4 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व करते हैं, 6 3 18, 6 3 18, 0.31 3 and 3। सो योर लेंथ इज 66.13 मीटर, ठीक है, 6 3 2 6 and 3 8 62.8 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बेटा इसका, क्या पूछा उन्होंने, टोटल लेंथ। तो बेटा लेंथ ही आ गई, लेकिन ये टोटल लेंथ नहीं है बेटा। लेंथ में उन्होंने क्या बोला है कि बेटा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग एंड मार्जिन ऑफ द एक्स्ट्रा लेंथ। उन्होंने बोल दिया एक्स्ट्रा लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो बेटा पहले आप क्या करोगे, टोटल लेंथ निकालने के लिए, टोटल लेंथ निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक तो ये आएगी आएगी प्लस 20 और आएगा, लेकिन ये है सेंटीमीटर में, तो आप 100 से डिवाइड करके पहले आप इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 62.8 प्लस 0.2, मतलब क्या आंसर आ गया आपका कितना, 63 मीटर। तो बेटा इस तापलीन की लेंथ कितनी होगी, 63 मीटर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।